मुकुंदरा नेशनल पार्क जो कि नए टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप हुआ है, उसमें पिछले कुछ दिनों से कुछ बाघिन और बाघ और उनके शावक की आकस्मिक मृत्यु एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम चाहते थे कि मुकद्दा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट इस संपूर्ण राजस्थान हाड़ौती का प्रमुख रूप से एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप हो और बेहतरीन टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप हो, लेकिन जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो उसके लिए हम सब चिंतित हैं और हमने NTC और राजस्थान वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको निर्देश दिए हैं कि जो टाइगर की जो मृत्यु हुई है और उसके बच्चे की जो मृत्यु हुई है उसकी जांच करें और भविष्य में किस तरीके से हम इस मुकुंदरा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं उसका एक व्यापक प्लान योजना बनाएं। NTC के अधिकारियों ने कहा है कि हम राज्य और केंद्र दोनों मिलकर टाइगर प्रोजेक्ट का व्यापक अध्ययन करेंगे, मौत के कारणों की जांच करेंगे और भविष्य में किस तरीके से इस टाइगर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा सकता है उसके लिए व्यापक अध्ययन करने के बाद राज्य और केंद्र दोनों मिलकर भविष्य में एक ऐसी व्यापक कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि हम इस मुकुंदरा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट को डेवलप भी कर सकें और बाघ सुरक्षित भी रहें और जंगली जानवर सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा है हम 2 महीने के अंदर इसकी व्यापक कार्य योजना बनाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में मुकुंदरा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट को हम सफारी के लिए भी शुरू करेंगे और देश विदेशी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र होगा, क्योंकि कोटा मुकुंदरा नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जंगल और जल दोनों की सफारी करा सकते हैं। इसलिए हाड़ौती को पर्यटन सर्किट डेवलप करने में इस टाइगर प्रोजेक्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।